السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مريم؟ والحمد لله. والعاج هم لقى أربعة أدلي. والد كفراش كان، والد كي بنج، والد كي آيس كريم نية، أمور كي آيس كريم. इसके पास फोर सिंगे हैं और वो फोर सिंगे हैं। बड़ा जो होता है ना एक होता है, इतने बड़े बड़े सिंग होते हैं, ये इनका बच्चा होता है। ये देखें, ये है रेट्स। हम लोग ले रहे हैं मोटर बोट सिक्स सीटर। और यहाँ बहुत अच्छी कि वो खाने लग गया था, फिर मैंने उसको तोड़ के ऐसे दे दिया, उसने खुद नीचे किया।
पाकिस्तानी, ये सऊदी, ये सऊदी और आपने वीडियो में देखा होगा ऑरेंज कलर का ये भागता हुआ, ये वही है बड़ा वाला। ये सब्जी है लिक्विड की बिजनेस मैकेनिज्म के लिए। ये जो सलाजीत आपने लिक्विड फॉर्म में देखा, अगर आप इसको 12 से 13 घंटे धूप में रखो तो ये भी वही फॉर्म बन जाता है जो हार्ड फॉर्म होता है इसका। पर ज़्यादातर हमारे कस्टमर जो है वो इस लिक्विड फॉर्म में इसलिए पसंद करते हैं कि उनके लिए आसानी होती है, और दूसरी बात ये है कि ये बीपी मरीज़ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम अपने कस्टमर को पहले से ही बता दें, क्योंकि हमारी वजह से अगर किसी को नुकसान पहुँचे तो अच्छी बात नहीं है। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि ये जो पूरी एक बोतल है ये वाली, इसका ये जो एक ढक्कन है, आपने एक गिलास दूध में या पानी में, इन दो चीज़ों में आपने यूज़ करना है, ठीक है। फिर 3 दिन या 4 दिन बाद दोबारा से इसको जो है ना फिर यूज़ करना है। ये जो एक बोतल है इसका खुराक पूरा करना है आपने। ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, शुगर के लिए, ये तो एक कुदरती एक स्टोन से बनाई हुई चीज़ है, ये तो अल्लाह का एक करम है, कुदरती एक दवाई है। तो ये बहुत ही इलाजों के लिए जो है ना बनाई हुई चीज़ है, इन पे जो है ना साइंसदानों ने भी बहुत ही रिसर्चिंग की हुई है। बाकी आप इंशाल्लाह यूज़ करें, तो हमारा शॉप का एड्रेस भी ये आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है हमने। किसी को जहाँ पे भी चाहिए हो तो ये एड्रेस नंबर भी दिया हुआ है हमारा, तो इस पे आप कांटेक्ट करके हम आपको TCS भी, जहाँ पे भी हो पूरे पाकिस्तान में, हम आपको जो है ना TCS कर सकते हैं। जो होती है ना, जो मैं आपको असल सलाजीत जो पहाड़ से निकलती है, मैं आपको उसका जो है ना शेप दिखाता हूँ, वो किस टाइप की होती है, फिर वो बनती किस तरह है, वो बनने का प्रोसेस भी आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये असल सलाजीत होता है, ये होता है असल सलाजीत। ये जब पहाड़ पे होता है तो हम 3 दिन, 4 दिन, कभी कभी 1 हफ्ता या 2 हफ्ते जो है ना, इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। ये महीनों के हिसाब से ये बनता है। इससे जो खुशबू आती है वो भी सलाजीत की ही खुशबू आती है। तो फिर हम इसको पहाड़ पे जाके फायर करते हैं, फायर करने के बाद ये स्टोन जब गिरता है, फिर हम इसको घर पे लेके आते हैं या शॉप पे लेके आते हैं, तो फिर हम इसको बॉईल करते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। इसको जो मिट्टी होती है वो हम साइड पे कर देते हैं बॉईल करने के बाद, सूरज में रखने के बाद। इसके अलग अलग प्रोसेस है, कोई अपने तरीके से बनाता है, कोई सलाजीत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करता है, कोई लिक्विड फॉर्म में बनाता है, तो कोई वो दूसरे सॉफ्ट फॉर्म में, वो दूसरा जो हार्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में बनाता है। तो इसमें जो मिट्टी होती है वो हम साइड पर कर देते हैं, तो उसके अलावा जो इससे लिक्विड फॉर्म निकलता है वो हम इस बोतल में भर लेते हैं। आप पूछ रहे थे कि वो जो हार्ड फॉर्म होता है इसका, जो रबर टाइप का होता है, कुछ लोग उसमें थोड़ा सा मिलावट करते हैं। उसमें भी दो तीन किस्म की सलाजीत होते हैं। जो सलाजीत थोड़ा सा भी मीठापन आपको महसूस हो तो ओरिजिनल सलाजीत नहीं है। ये अगर मैं आपको चेक कराऊँ, थोड़ा सा भी आप अपने ज़बान पर रखें तो ये बहुत ही कड़वा होता है। तो मिट्टी को साइड करने के बाद हम इसको लिक्विड फॉर्म में भी बनाते हैं। ये फिर यहाँ से हमारे शॉप पे माशाल्लाह मलेशियन भी आते हैं, इंडोनेशियन भी आते हैं, रशियन भी आते हैं, पूरे वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के लोग आते हैं, वो भी ये चीज़ यहाँ से लेके जाते हैं।
तो वो फिर बार बार वहाँ से मैसेज करते हैं कि हमें आउट ऑफ कंट्री जो है ना ये चीज़ भिजवा दें। तो यहाँ से कोई लिंक हमारे पास नहीं होता, फिर बजरिया यहाँ पे कोई गाइड वगैरह आता है, वो अगर मलेशिया जाता है या कहीं और अदर कंट्री में जाता है, फिर हम उसके ज़रिए उनको भेज देते हैं। ये एक बोतल के मेरे हिसाब से एक बोतल तो फिर आपको भी जो है ना चार्जेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक हो या 20 हो उसके चार्जेस एक जैसे होते हैं। अगर 20 बोतल मंगवाएं तो उसके मेरे हिसाब से 300 या 400 चार्जेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। सही।